हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीजे क्लासेस में। आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जो इसका नाम हमें जो हमारे चैप्टर का नाम है, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, एंड देन उसके बाद समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, फिर समझेंगे कि ये जो पूरी लाइन कही गई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम ये समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या किसे कहते हैं? तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसे कहते थे? लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशंस को कहते थे जिनकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते थे? जिनकी डिग्री 2 होती थी। एंड क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होती थी। तो जिन इक्वेशंस की डिग्री मींस हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हैं 3x-2 = 0, तो ये क्या है? आपका लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ पर वेरिएबल क्या है? ओनली सिंगल एक्स। तो ये लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। लेकिन आपके चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, मींस 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो ये जो इक्वेशंस होंगी कुछ इस फॉर्म में होंगी, 3x+4y+7 = 0। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। देखिए, दोनों के पास 1 है, बट यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं, एक है x, एक है y। तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax+by+c = 0, जिसमें x एंड y क्या है? आपके वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसके लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर यानी दो इक्वेशंस होंगे। तो एक इक्वेशन होगा आपका a1x+b1y+c1 = 0, एंड दूसरा होगा a2x+b2y+c2 = 0। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है, इसे ही हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपका एग्जांपल है स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, आप कोई भी दो इक्वेशंस लिख लीजिए, लाइक 3x+2y-7 = 0, एंड दूसरा आप लिख लीजिए 2x+7y+8 = 0। तो ये आपके क्या हैं? कोई दो इक्वेशंस हो गए हैं। तो ये हैं आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेकिन एक और बात, इनमें आपकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि a1, a2, b1, b2, इनमें से कोई सा भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स ये जो सारे कॉफिशियंट्स हैं, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ओके, अब हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। जैसे कि आप क्लास 9th में चैप्टर करते थे, चैप्टर 3rd ही था, उसमें आप कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते थे, आपको इक्वेशन दी जाती थी, उससे आप क्या हैं, उसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे ग्राफ, उसमें तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन हो जाता था। ठीक है, मोस्टली ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन ही आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके इक्वेशंस दिए होंगे और आपको बताना होगा इक्वेशंस को देख के कि ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ आपके कुछ होंगे जैसे कि इंटरसेक्टिंग होंगे। तो अगर कोई दो इक्वेशंस का ग्राफ अगर आपका कुछ इस तरीके से आता है, इंटरसेक्टिंग बट एट ओनली 1 पॉइंट, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसकी मीनिंग क्या होगी? इट हैज़ 1 सॉल्यूशन। इसके पास क्या है? ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। लेकिन सॉल्यूशन तो कहते हैं, आप सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो आपके एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो इस पर पुट कर दी जाए तो क्या हो? वैल्यू ज़ीरो हो जाए, रिजल्ट आपका ज़ीरो आए। ठीक है, एक्स और वाई आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप इस इक्वेशन पे पुट कर दें तो ज़ीरो आ जाए, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इस पे पुट करके ज़ीरो आ रहा है तो वो इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन उसे ही कहते हैं जो वेरिएबल्स आपके गिवन होते हैं और जिन वैल्यूज़ को पुट करके आपका रिजल्ट ज़ीरो आता है। तो अगर आपके जो दो ग्राफ हैं,
वो इंटरसेक्ट करेंगे एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन कितना होगा? एक ही होगा, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। और अगर दोनों ग्राफ पैरेलल हैं, अगर ग्राफ पैरेलल होते हैं, ये कहीं पर भी जाके मिलेगा नहीं, बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल है, इनकी मीनिंग इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये जाके कहीं पर मिलेगा ही नहीं, तो इनके पास क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और आपका ग्राफ अगर कुछ ऐसा है, एक ही लाइन पे, इसी पे आपका दोनों ग्राफ बन गया, तो क्या होगा? इसे आप कहेंगे कोइंसिडेंट। जब आपके ग्राफ कोइंसाइड करेंगे तो आप कहेंगे कौन सी कोइंसिडेंट, एंड इनके पास कितने होंगे सॉल्यूशन? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपका ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन है तो इस केस में आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखिए इक्वेशन देख के आप कैसे बताएंगे, जैसे कि आपका ये इक्वेशन है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। तो अगर आपका a1 by a2 does not equal to b1 by b2 हो, a1 by a2 does not equal to b1 by b2, अगर आपका ये does not equal to आता है, ये दोनों इनका रेशियो क्या है, इक्वल नहीं आता है, तो इस केस में आपका क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन। और आपका अगर a1 by a2 is equals to b1 by b2 and does not equal to c1 by c2 आता है, इसकी मीनिंग इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यानी लाइन कैसा होगा? पैरेलल होगा, बिकॉज देखिए a1 by a2 है, b1 by b2 है, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये जो है टोटली ये डज नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो क्या होगा हमारे पास? नो सॉल्यूशन। फिर आते हैं कॉन्सिडेंट की तरफ, इसके लिए हम इक्वेशन देख के कैसे बताएंगे? तो अगर a1 by a2 is equals to b1 by b2 which is equals to c1 by c2, अगर ऐसा है a1 by a2 is equals to b1 by b2 आ रहा है एंड is equals to c1 by c2 आ रहा है, तो इसकी मीनिंग है कि ग्राफ कैसा होगा? वो कॉन्सिडेंट होगा, और कॉन्सिडेंट होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कुछ नहीं आता, नो सॉल्यूशन है, तो उस केस में उसे क्या कहेंगे हम? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर सॉल्यूशन है तो उसे क्या कहेंगे हम? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, पैरेलल लाइन थी, तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसके पास भी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, इसकी मीनिंग ये भी कैसा है आपका? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।